सो गाइज माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। गाइज MJF वर्सेस क्रिस जेरिको के मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑल आउट 2021 में हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट कर देना। चलिए सेलिब्रेट वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो भाई, आपको तो मालूम होगा कि ऑल आउट 2021 में हमें ये मैच देखने को मिलने वाला है MJF वर्सेस क्रिस जेरिको के बीच में। और गाइज ये मैच डेफिनेटली हमें हजार बार देखने को मिल चुका है, यानी कि हजार बार तो नहीं लेकिन 10 बार से ज़्यादा देखने को मिल चुका है। काफ़ी बार ये मैच हमें देखने को मिल चुका है, MJF का फैक्शन वर्सेस क्रिस जेरिको का फैक्शन हमें देखने को मिल चुका है, MJF वर्सेस क्रिस जेरिको का मैच हमें काफ़ी बार देखने को मिल चुका है। लेकिन गाइज इस बार जो मैच का स्टिपुलेशन है वो काफ़ी खतरनाक है। और गाइज ऑल इलीट रेसलिंग ये एडवर्टाइज करती है कि उनके ऑल आउट पेपर व्यू में हमें जॉन मॉक्सली वर्सेस नहीं बल्कि गाइज क्रिस जेरिको वर्सेस MJF के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पे अगर इस मैच को MJF हराते हैं क्रिस जेरिको को तो ऑल इलीट रेसलिंग में क्रिस जेरिको मैच रेसल नहीं करेंगे। हाँ गाइज ऑल इलीट रेसलिंग एक स्टिपुलेशन को ऐड करती है कि अगर इस मैच को क्रिस जेरिको हारते हैं तो वो मतलब ऑल इलीट रेसलिंग में मैच रेसल नहीं करेंगे। और गाइज ये जो स्टिपुलेशन है वो काफ़ी खतरनाक है। और गाइज काफ़ी ये जो मैच है काफ़ी आप कह सकते हो कि ड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि गाइज ऐसा स्टिपुलेशन है और एक सुपरस्टार जो कि क्रिस जेरिको काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं रेसलिंग इंडस्ट्रीज के माने जाते हैं। तो गाइज ये भी हमें मैच देखने को मिलने वाला है और डेफिनेटली गाइज ये भी मैच काफ़ी अच्छा हो सकता है, जहाँ पे गाइज MJF एक काफ़ी अच्छा हील कैरेक्टर का रोल निभा ही रहे हैं अभी और वहीं पे फेस कैरेक्टर का रोल क्रिस जेरिको निभा रहे हैं। तो गाइज हमें देखना होगा कि क्या देखने को मिलता है। लेकिन गाइज फाइनली ये मैच अब ऑफिशियल तौर पर एडवर्टाइज हो चुका है, देखते हैं गाइज किस मैच में हमें क्या सीन देखने को मिलता है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय फ्रेंड्स।